गुड मॉर्निंग एवरी वन विशिंग यू ऑल अ वेरी मेरी क्रिसमस आज का दिन थोड़ा सा पढ़ाई से ब्रेक लीजिएगा और ज़रूर से इंजॉयमेंट के लिए थोड़ा स्लॉट निकालिएगा बिकॉज दिस आईव लर्न फ्रॉम माई डॉटर के छोटा भी अगर मौका मिलता है टू इन्जॉय और टू सेलिब्रेट समथिंग वी मस्ट टेक इट विथ ऑल ओपन आर्म्स सो ये आपके लिए ब्रीदर होगा एक रिफ्रेशिंग एक मौका होगा जिसमें कि आप वापसी रिजुवनेट होकर बचपन की थोड़ी मेमरीज और आज की थोड़ी मेमरीज क्रिएट करके और वापसी अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकते हैं आगे चलिए सो आज हमें डिस्कस करना है वीकली करंट अफेयर्स फॉर फोर्थ वीक ऑफ डिसम्बर दैट इज एटीन से ट्वेंटी फोर्थ ऑफ डिसंबर की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही है उन सबका क्रक्स आज हम देखने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट दैट विल भी द बेस्ट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डेली से ये फॉलो नहीं कर पाते फॉर वट एवर हो सकता है वो साथ में कोई जॉब कर रहे हो या फिर बाकी सब्जेक्ट्स में उनका ज्यादा फोकस रहता हो सीए इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते हो वो या फिर पढ़ना ही नहीं चाहते हैं वट एवर बी द रीजन वीकली करंट अफेयर आपके लिए क्रैश कोर्स की तरह पूरे हफ्ते का सर्व करता है पर्पज और फिर अगर आप मंथली सीए फॉलो कर लेते हैं तो एक पूरा कंसोलिडेटेड रिवीजन आपका पूरे महीने का हो जाता है देन आपके लिए सिक्स मंथ्स करंट अफेयर लाए जाते हैं अलग अलग यू नो क्लस्टर्स बना करके एंड देन ईयर एंड पे ईयर बुक लाई जाती है सो so पूरे साल में अगर तीन चार रिविजन हो जाते हैं मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा किसी भी चीज़ की और जरूरत आपको है कंटेंट हम हमारी तरफ से बेस्ट प्रोवाइड कर ही रहे हैं सारे सोर्सेज को हम रेफर करते हैं आप लोग पूछते हैं मैम कहाँ से आता है करंट अफेयर जो आप लेते हो सो वी ऑल्सो रेफर टू हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पी जो प्रेस इंफॉमेशन ब्यूरो होता है अलग अलग ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती सो आर लॉट मेनी सोर्सेज दैट वी रेफर टू और तब जाके कंटेंट आपके लिए लाते हैं तो कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है आप फॉलो करते रहिए रिविजन आपके हो जाते हैं और क्विजेस uh, आप दे सकते हो टेलीग्राम पर क्विज होती है वीकली होती है मंथली होती है देन परचम ऐप के ऊपर होती है सो so इतना सब अगर आप कर लोगे अपने करंट अफेयर के लिए और इसमें डेली एक घंटे से ज्यादा का भी टाइम आपको नहीं लगेगा राइट एंड यू विल बी मास्टर इन करंट अफेयर चलिए ऑन दिस नोट मैं आपको बता देती हूँ आज का सेशन हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे सबसे पहले हम जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही हैं पूरे हफ्ते की वो देखेंगे डिस्कस करेंगे उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस सेशन uh, रहेगा करीब करीब टेन क्वेश्चन मैंने इनकॉपरेट किए हैं बिकॉज न्यूज काफ़ी हैं ऑलरेडी सो टेन क्वेश्चन आप देखिए जिससे आपको आइडिया लगेगा वेदर यू एबल टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट और लास्ट में क्वेश्चन ऑफ़ द डे दे करके मैं आपको जाऊँगी जिनका आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में करेंगे सो दैट वी ऑल्सो गेट टू नो दैट येस यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन टू दिस होल लर्निंग प्रोसेस ठीक है चलिए ऑन दिस नॉट लेट्स गेट स्टार्ट और रे तो हम शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट डेज़ के साथ में जिस तरह से मंथली कंपाइलेशन लेकर के आते हैं ना जिसमें इंपॉर्टेंट डेज बुक्स अपॉइंटमेंट्स अवार्ड्स स्टेट न्यूज़ नेशनल न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ स्पोर्ट्स न्यूज़ इसी तरह से यहाँ करने की भी कोशिश की गई है तो चलिए इंपॉर्टेंट डेज में सबसे पहले देखते हैं डिसम्बर एटीन डिसम्बर एटीन को दो इंपॉर्टेंट डेज हमें देखने हैं पहला है माइनॉरिटी राइट्स डे इन इंडिया यानी भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस सो so, माइनॉरिटीज जो होती हैं जो रिलीजन से लैंग्वेज से रेसेस से इन सबसे जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके अधिकारों को उनके चैलेंजेस को प्रॉब्लम्स को और

ठीक है चलिए फिर हम आते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस सो so, अगेन uh, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि प्रवासी यानी माइग्रेंट्स फेस करते हैं जब वो एक कंट्री से छोड़कर दूसरे कंट्रीज में जाते हैं एंड वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके अधिकार क्या हैं ये सारी चीजों को हाईलाइट uh, करता हुआ ये डे होता है और 18 दिसंबर 1990 में यू ने अडॉप्ट किया था इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड द फैमिलीज ठीक है चलिए अब यहीं पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछूं बताइए भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है गांधी जी जब अफ्रीका से साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे तो उस दिन को कमोमोरेट करते हुए आ, प्रवासी दिवस मनाया जाता है इंडिया के अंदर और वो कब मनाया जाता है जल्दी से लिख करके बताइए नेक्स्ट पे आते हैं 19 दिसंबर इज़ गोवा लिबरेशन डे गोवा पोर्टुगीज रूल से आज़ाद हुआ था और उसके लिए हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है उन्होंने ऑपरेशन विजय चलाया था और इसी दिन को गोवा लिबरेशन डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है नाइन्टीन दिसंबर पोर्टुगीज रूल से 19 दिसंबर 1961 को आजादी दिलाई गई थी गोवा को आफ्टर फोर फिफ्टी ईयर्स ऑफ देयर रूल और 18 दिसंबर के दिन एक ऑपरेशन uh, लॉन्च किया गया था जिसे ऑपरेशन विजय बोलते हैं और जिसकी वजह से 19 दिसंबर को गोवा को लिब्रेशन मिला था ओके नेक्स्ट इज ट्वेंटी सेकेंड डिसंबर ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर को आता है नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस सो so, हमारे जो लेजेंडरी मैथमेटिशियन रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन जी उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमोमरेट करता हुआ है और उन्होंने मैथ में जो भी इनक्रेडिबल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उसको सेलिब्रेट करते हुए दिन मनाया जाता है और रामानुजन जी एरोड तमिलनाडु के अंदर इनका बर्थ हुआ था फिर हमें देखना है कि दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू को इस बार 22 दिसंबर को ये 2022 ये ईयर नहीं है ये तारीख है है ना दिसंबर 22 को इस बार व, विंटर सॉलस्टस पड़ा सो so, वैसे विंटर सोलस्टस 21 या 22 दिसंबर में से कभी भी पड़ जाता है इस बार ये ट्वेंटी दिसंबर को पड़ा व्हाट इज विंटर सोस्टस दिस इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर सो इस साल सबसे छोटा दिन नदर्न हेमिसफेयर में कौन सा रहा दिन इन द सेंस 24 फोर आवर्स वाला नहीं लेकिन सनलाइट कितने टाइम तक एक्सपोज रहेगी उस पूरे दिन में वो सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन रही ट्वेंटी सेकेंड डिसम्बर को और ये होता है बिकॉज अर्थ अपने एक्सेस पे टिल्टेड है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर डिग्री सेल्सियस या सिक्स सेल्सियस नहीं सॉरी ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर डिग्रीज यानी कि वो स्ट्रेट नहीं हो करके अपने एक्सेस पे टिल्टेड है और ये जो टिल्ट है ये कितना है 23.4 थ्री पॉइंट फोर डिग्रीज का और इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक बार सन से दूर होता है और एक बार सदर्न हेमिसफेयर सन से दूर होता है नॉर्दर्न हेमिसफेयर जब सन से दूर होता है तो सन की जो रेडिएशन है वो बहुत थोड़े समय के लिए एक्सपोज होती हैं और उससे बढ़ता है शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर और जब हमारे यहाँ पे विंटर सॉल्स्टिस हो रहा होता है साउथ में सदर्न में समर uh, हॉस्स हो रहा है नहीं गर्मियाँ पड़ रही होती हैं बड़े दिन हो रहे होते हैं सन एक्सपोजर वाले नेक्स्ट हम आते हैं ट्वेंटी थर्ड दिसंबर पर ट्वेंटी थर्ड डिसम्बर इज किसान दिवस या नेशनल फार्मर्स डे और ये कोमेमोरेट करता है हमारे फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ uh, एनिवर्सरी को और uh, ये इन्होंने फार्मर्स से रिलेटेड बहुत सारे काम किए हैं और खुद भी फार्मर रहे हैं और वहां से ये प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन तक पहुंचे हैं तो इनको सेलिब्रेट करने के लिए दिन ऑब्जर्व किया जाता है सबसे पहले ये 2001 के अंदर ऑब्जर्व किया गया फिर आता है दिसंबर 24 दिसंबर 24 भारतीय ग्राहक दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन इस दिन इसको प्रेसिडेंट की मोहर यानी मंजूरी मिली थी और इसलिए इस डे को ट्वेंटी फोर्थ को ऑब्जर्व किया जाता है सबसे पहले ईयर 2000 में इसको ऑब्जर्व किया गया जैसे हम इंडिया के अंदर नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं ऐसे ही वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है वो आता है मार्च फिफ्टींथ को ठीक है चलिए सो so ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट डेज अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअल कैटेगरीज पे जो भी न्यूज है तो बुक फिट एट एनी एज लॉन्च बाय रिटायर्ड एयर मार्शल पी वी अयर पी वी अय्यर जी ने एक किताब लॉन्च की है ये खुद 92 टू अप्रॉक्स इस के हैं और अभी भी फिट हैं तो इन्होंने बुक लॉन्च की है फिट एट एनी एज सो किसने लिखी है रिटायर्ड एयर मार्शल पी वी अयर ओके चलिए नेक्स्ट न्यूज गामा एक्सपोनेंट एंड पद्मश्री 2022 ट्वेंटी टू अवार्डी एच आर केशवा मूर्ति पासिस अवे गामाका के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किए हुए उसको बहुत पॉपुलर बनाते हुए और पद्मश्री मिला इनको 2022 में और अब ये नहीं है किस व्यक्ति की हम बात करें एच आर केशवा मूर्ति एच आर केशवा मूर्ति जो कि कर्नाटका को बिलोंग करते हैं गामा का क्या होता है गामाका बेसिकली जो दो सुर होते हैं या जो नोट्स होते हैं जैसे सा रे गा म सा तो जब इनको मिला करके गाया जाता है सरगम गाई जाती है तो उसमें जो भी उतार चढ़ाव किए जाते हैं वॉइस मॉड्यूलेशंस बोल लीजिए आप उसको या जो सुंदरता लाई जाती है इन सुरों में उनको गमका कहा जाता है तो इन्होंने गमका को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया और इसके चलते इनको आर्ट की फील्ड में पद्मश्री ट्वेंटी भी दिया गया था नेक्स्ट इंडिया सरगम कौशल विंस मिसिज वर्ल्ड 2022 टाइटल सो so, 21 वन ईयर्स के बाद इंडिया ने मिसिज वर्ल्ड टाइटल जीता और वो लेकर के आए सरगम कौशल इससे पहले अदिति गोवात्रिकर ने ये टाइटल जीता था इन द ईयर 2001 नेक्स्ट एन एम डी सी एन एम डी सी विन्स आई ई आई इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू एन एक नेशनल माइनर है यानी माइनिंग कंपनी है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर की इसको मिला है ये पॉपुलर आई आई अवार्ड यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड जो भी ये काम करते हैं और अपने एक्सेलेंट प्रैक्टिस की वजह से बिजनेस एक्सीलेंस और हाई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से ये अवार्ड दिया गया है एन से रिलेटेड कुछ ट्रिविया है यानी इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं नेक्स्ट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर बिकम्स ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट ए प्लस प्लस रेटिंग या ग्रेड बाय एन ए ए सी एन ए ए सी यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल यूनिवर्सिटीज़ को रेटिंग या ग्रेडिंग प्रोवाइड करता है ठीक है ए प्लस ग्रेडिंग या रेटिंग वाले तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ दिख जाएंगे लेकिन पूरे इंडिया में पहला और एकमात्र यूनिवर्सिटी जिसे ए डबल प्लस रेटिंग मिली है नैक् वो बन जाता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर पंजाब के अंदर है और राइट अच्छा अगर हम सारे इंस्टीट्यूशंस की बात करें सिर्फ यूनिवर्सिटी की नहीं तो एक इंस्टीट्यूशन है जो इस यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा अच्छा स्कोर लेकर के आ रखा है और उसको ए डबल प्लस रेटिंग मिली हुई है दैट इज़ टी आई एस एस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को 3.85 पॉइंट्स मिले हैं इसको 3.89 पॉइंट्स मिल रखे हैं पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है एग्जामिनर नहीं पूछेगा बट जस्ट टू गिविव यूर कंपेरेटिव एनालिसिस ठीक है चलिए साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2022 हो गए हैं अनाउंस और ये दिए जाते हैं 24 फोर लैंग्वेजेज़ में जो लिटरेरी वर्क किया जाता है तो जो भी बहुत उत्कृष्ट काम करता है लिटरेचर लिटरेचर की फील्ड में वो नावल हो पोइट्री हो कुछ भी लिखते हो वो शॉर्ट स्टोरीज तो उनको दिया जाता है 24 फोर लैंग्वेजेस जिसमें कि 22 टू लैंग्वेजेस तो इंक्लूडेड इन एट्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी तो ट्वेंटी टू इंग्लिश और राजस्थानी इन ट्वेंटी फोर लैंग्वेजेस के अंदर ये दिया जाता है इस बार दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज देख लेते हैं इंग्लिश और हिंदी उसके अलावा आ, सारी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं पर सारी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है सो so, इंग्लिश में ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड ये बुक है नॉवल है जिसको इंग्लिश के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड अरुणाधा रॉय अनुराधा रॉय और हिंदी में तुमड़ी के शब्द पोइट्री का पोइट्री है ये बद्री नारायण जी की इन दोनों को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है और इसमें एक लाख रुपए दिए जाते हैं उसके अलावा आ, शील्ड होती है एट्सेट्रा यू आई डी ए आई हेड क्वार्टर बिल्डिंग यू आई डी ए आई हेड क्वार्टर बिल्डिंग विन्स टॉप ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड यू आई डी ए आई क्या है दिस इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि आधार कार्ड भी हमारे इशू करती है और इसकी जो क्वार्टर बिल्डिंग है उ, आ, उसको जो कि न्यू डेली के अंदर है उसको मिला है टॉप ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड ये अवार्ड का नाम नहीं है एक आ, टॉप लेवल का ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड है जिसका नाम क्या है नाम है गृह एक्जेम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू ना अवॉर्ड इज ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटैट असेसमेंट तो जो भी ग्रीन uh, ग्रीन uh, हम कहें कि प्रोसेस या ग्रीन ग्रीन तरीके अपनाए गए हैं बिल्डिंग्स को बनाने और उनको मैनेज करने से रिलेटेड उसके चलते यू आई डी ए आई के हेडक्वार्टर बिल्डिंग को यह अवार्ड दिया गया है ग्रीन बिल्डिंग्स या ग्रीन प्रोसेस वो होते हैं कि जब बिल्डिंग आप बना रहे हो मैनेज कर रहे हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाटर ये सारी चीज़ें आप कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा प्रोड्यूस ना करो और रीन्यूएबल सोर्सेज का ज़्यादा यूटिलाइजेशन करो रीसाइकिल री आप ज़्यादा कर रहे हो तो आप इस अवार्ड के लिए चुने जा सकते हो सो यू आई डी ए आई रीसाइकिल री पर बहुत फोकस करता है कार्बन फुटप्रिंट रोड्यूस करता है सोलर पावर वाटर रिसाइकलिंग इन सब के ऊपर फोकस रखता है नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज डेली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल एट कर्तव्य पथ इन न्यू डेली और ये प्रसिद्ध फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके ऑर्गेनाइज किया गया और इस बार की जो टैगलाइन रही इस पूरे फेस्टिवल की वो क्या थी वेयर भारत मीट्स इंडिया भारत मीट्स इंडिया ईरान रिमूव्ड फ्रॉम यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन स्टेटस ऑफ विमेन के चलते कि वो किस तरह से वेमेन का स्टेटस सेकंड ग्रेड स्टेटस मानता है ईरान और उसके चलते उसको रिमूव कर दिया गया है यूएन कमीशन ऑन विमेन्स राइट ग्रुप ठीक है तो इसको रिमूव कर दिया गया ईरान को फ्रॉम यू एन वमेन रुप एंड ये रेजोल्यूशन प्रपोज किया यू एस ने ताकि इमिजिएट इफेक्ट से इस्लामिक पब्लिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ फॉर रिमेन्डर ऑफ 2022 से 2026 का जो पूरा टर्म होता है और आप जितना भी बचा है उस पूरे दौरान के लिए इनको हटा दिया गया है ठीक है ठीक सो 29 नाइन स्पीशीज in so, को थ्रेटनड लिस्ट के अंदर असेस किया गया है बाय आईयूसीएन रेड लिस्ट आईयूसीएन यू दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इनकी रेड लिस्ट होती है जिसे हम रेड डेटा बुक भी बोलते हैं जिसके अंदर थ्रेटन स्पीशीज़ होती हैं वालनरेबल नियरली क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड डेंजर्ड सो उसके अंदर ट्वेंटी नाइन थ्रेटन स्पीशीज़ असेस की गई हैं इंडिया से और ये आई यू सी एन रेड लिस्ट कब अनवील या रिवील की गई ड्यूरिंग द कॉप फिफ्टीन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो कि मॉन्ट्रियल कैनेडा के अंदर हो रही थी ना एज पर दिस कुछ एक स्पीशीज़ हम देख लेते हैं जो न्यूज़ में बनी रही अदरवाइज uh, तो लाइक इट इज़ रिटन ट्वेंटी नाइन थ्रिटन स्पीशीज़ है सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं पहली है वाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग वाइट चीक्ड इसको देख लीजिए इंटरेस्टिंग क्रीचर है सो वाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग और स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है ये सिर्फ वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका के अंदर पाया जाता है एंडेमिक यानी उसी एरिया से रिलेटेड है इंडिया की ही लोकल स्पीशीज़ uh, है और उसमें भी वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका के ही लोकल एक स्पीशीज है नेक्स्ट साउथ साउथ हाउंड हाउंड शार्क शार्क दिस इज ये भी है ये एंडमिन सी में ही पाई जाती है एंडेमिक टू इंडिया है यानी इंडिया के बाहर कहीं नहीं मिलेगी और ये फिशिंग प्रेशर के चलते वल्नरेबल uh, कैटेगरी में आ गई है देन येलो हिमालयन फर्टिलरी प्लांट सो दिस इज येलो हिमालयन फर्टिलरी प्लांट और ये भी वल्नरेबल है और ये मोस्टली uh, हिमालयस के अंदर उगता है भूटान चाइना इंडिया म्यांमार नेपाल पाकिस्तान जो हिमालय वाला एरिया वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और इसका थ्रेट ये है कि जंगली लहसुन के नाम से इसको बहुत ज़्यादा बेचा जा रहा है तो इसकी प्रॉपर्टीज या खुशबू और uh, स्मेल मिलता जुलता है तो जंगली लहसुन बोल के इसको बहुत बेचा जा रहा है इसके चलते इसका ओवर एक्सप्लाटेशन हो रहा है ओके नेक्स्ट हम आ जाते हैं नासा लॉन्चेस इंटरनेशनल मिशन स्वॉट टू सर्वे अर्थ्स वाटर सो नासा ने एक ऐसा मिशन लॉन्च किया है नासा का फुल फॉर्म देख लो पहले नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और नासा ने साथ में किसके साथ मिला मिलकर के लॉन्च किया फ्रेंच स्पेस एजेंसी सेंटर के साथ में जॉइंट उन्होंने स्वॉट एक मिशन लॉन्च किया है वॉट इज द स्वॉट सर्फेस वाटर एंड ओशनिक टोपोग्राफी सो जितना भी सरफेस वाटर है लेक्स हो गई रिवर्स हो गई इन सब के बारे में स्टडी करने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है टू ट्रैक नियरली ऑल वाटर ऑन अर्थ सर्फिस जितना भी पानी है सब ट्रैक किया जाना है और इसको लॉन्च कैसे किया गया थ्रू अ स्पेस एक्स फैल्किन नाइन रॉकेट फ्रॉम स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ये तीन साल का एक प्रोजेक्ट है पूरा तीन साल तक ये वाटर स्टडी पूरी करेगा एंड मोर देन नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ वर्ल्ड लेक्स जो कि फिफ्टीन एकर्स से ज़्यादा बड़ी हैं या फिर रिवर्स जो कि थ्री थर्टी फीट से ज़्यादा वाइडर है उन सबकी स्टडी करने वाला है नेक्स्ट मिसाइल डिस्ट्रॉयर आई एन एस दैट इज इंडियन नेवलशिप मार्मगाव कमिशन इन इंडियन नेवी पिछले महीने हमने देखा था कि ये डिलीवर हो गई थी लेकिन कमिश्निंग अब हुई है इसकी दैट इज़ कमिश्निंग मतलब अब इंडियन नेवी इसको यूटिलिटी के अंदर लेना शुरू कर देगी अब यूज करना शुरू कर देगी सो आई एन एस जो कि डी सिक्सटी सेवन सेकेंड वॉरशिप है पी फिफ्टीन बी क्लास ऑफ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का पी फिफ्टीन बी क्लास के जितने भी मिसाइल डिस्ट्रॉय स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके अंदर ये सेकेंड वॉरशिप है टोटल फोर वॉरशिप्स का ऑर्डर है जिसमें पहली एक ऑलरेडी आ चुकी है दैट वॉज़ विशाखापट्टनम आई एन एस विशाखापट्टनम अब मार्मगाव कमीशन हो गई है आई एन एस इम्फाल और आई एन एस सूरत अभी बचे हैं ये जगहों के नाम भी हैं और ये इन फोर्स शिप्स के नाम भी इन्हीं जगहों के नाम पे रखे गए हैं सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज सो आई एन एस विशाखापट्टनम वॉज कमीशन इन नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन अभी मार्मगाव कमीशन हो गया है इम्फाल और सूरत बच रहे हैं ये जो आई एन एस मार्मगाव की हम बात करें तो डिज़ाइन भी इंडिया के अंदर हुआ है वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो में और इसको डेवलप या कंस्ट्रक्ट किया है माजा गांव डॉग शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने ठीक है देन इट इज अ सेवेंटी किलोमीटर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सरफेस से एयर में अपने टारगेट को हिट कर सकता है यह टॉर्पीडो और रॉकेट लॉन्चर्स भी है इसके अंदर नेक्स्ट मेट फ्रेडरिक्सन मेट फ्रेडरिकसेन बिकम्स द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ डेनमार्क डेनमार्क को मिली है अपनी संग प्राइम मिनिस्टर दैट इज मेट फ्रेडरिक सेन बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है ये सीधे सीधे दिमाग में आपको रखनी है इंडियन ओरिजिन लियो वराडकर री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड आयरलैंड के वापस से प्राइम मिनिस्टर बने हैं लियो वराडकर जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं एंड दिस इज अगेन दिस इज इट इतनी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है इस जिन भी न्यूज़ के अंदर डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं हो मैं पहले आपको क्लियर कर दूंगी और जो न्यूज़ ऐसी हैं जिनमें डिटेल डिस्कशन इज रिक्वायर्ड दैट यू विल हैव टू डील अकॉर्डिंगली नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सुहेल एजाज खान सुहेल एजाज खान नेम्ड brand, so, के न्यू न्यू ब्रांड टू सऊदी सऊदी अरेबिया अरेबिया सो लिए भारत के नए राजदूत बने हैं सुहेल एजाज खान और अभी ये एम्बेसडर ऑफ इंडिया हैं टू द रिपब्लिक ऑफ लेबनान और बहुत ही जल्दी ये इस पोजीशन पे आ जाएंगे बी रिप्लेसिंग डॉक्टर औसफ सईद औसफ सईद नेक्स्ट सेंटर अपॉइंट्स फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हेमंत गुप्ता एज चेयरपर्सन ऑफ न्यू डेली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एन डी आई ए सी सो एन डी आई ए सी के नए चेयरपर्सन यानी हेड बना दिया गए हैं हेमंत गुप्ता जी जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं और उससे पहले वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं एन डी आई ए सी बेसिकली एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो कि आर्बिट्रेशन मीडिएशन और जो मध्यस्थता के काम होते हैं वो करता है इंस्टीट्यूशन और हाल ही में एन का नेम चेंज करके इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन रखा जाए ऐसा पार्लियामेंट में बिल पास किया गया है नेक्स्ट फेरन डे सेलिब्रेटेड इन कश्मीर वैली पहली बार फेरन डे कश्मीर वैली के अंदर सेलिब्रेट किया गया और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फेरन डे पहला दिन पहले दिन ऑब्जर्व किया गया जब 40 डे का हार्शेस्ट स्पेल ऑफ विंटर शुरू होता है यानी सबसे सर्द दिन जो होते हैं 40 दिनों के सर्दियों के दौरान उनके फर्स्ट डे को फेरन डे ऑब्ज़र्व किया गया और ये चालीस दिनों को कहा जाता है चिलई चिलई कलाम बेसिकली बहुत ज़्यादा ठंड वाले दिन हैं और उनके फ़र्स्ट डे को फेरन डे ऑब्ज़र्व किया गया फेरन ये ऐसे लूज़ कुर्ते होते हैं जो कश्मीर में पहने जाते हैं और इन्हीं के अंदर इन्हीं के अंदर कांगड़ी भी रख ली जाती है कांगड़ी इज़ बेसिकली अर्दन पॉट होते हैं जिनके अंदर कोयले सुलगाए जाते हैं और फिर एक बास्केट के अंदर रख के पकड़ के लोग जाते हैं उससे गर्मी मिलती रहती है और वो फेरन के अंदर भी डाला जा सकता है ठीक है सो अगर कभी पूछ लिया जाए फेरन और कांगड़ी कहाँ से रिलेटेड हैं, कौन सी जगह से रिलेटेड तो कश्मीर आप मांग करेंगे नेक्स्ट असम गवर्नमेंट लॉन्च अरुणोदय 2.0 स्कीम सो असम गवर्नमेंट ने अरुणोदय 2.0 स्कीम लॉन्च की है क्या है scheme? ये स्कीम ये वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी आ, सामने वाले के खाते में डायरेक्टली रकम पहुंचाई जाती है सो so, जो भी लेस प्रिवलेज लोग होते हैं आ, गरीब तबके के लोग हो गए विमेन फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसडवांटेज हाउसओल्ड हो गए एल्डरली हो गए देन थर्ड जेंडर्स हो गए डिसेबिलिटी वाले लोग हो गए उनके खातों में रकम पहुँचाने के लिए स्कीम है और इसको डिसम्बर वन ट्वेंटी में ओरिजिनली लॉन्च किया गया था अब इसका सेकेंड एडिशन या सेकेंड फेज लॉन्च किया जा रहा है और 10.54 लाख न्यू बेनिफिशियरीज इसमें ऐड हुए हैं और हर महीने उनको कितनी राशि पहुंचाई जाएगी बारह रुपए ताकि वो अपना राशन दवाई और नॉर्मल जो जीने के लिए जरूरत होती है वो पूरी कर सके इसके साथ में अब टोटल है, स्कीम के बेनिफिशियरीज अराउंड ट्वेंटी लाख पहुंच चुके हैं एंड इसका आउटले फोरटीन सॉरी फोर वन फोर टू करोर रखा गया है असम की ये स्कीम है ओके चलिए नेक्स्ट हम आते हैं डॉल्फिन सेंसस बिगिंस एट ओडिशा कोस्ट ओडिशा कोस्ट पे डॉल्फिन सेंसस यानी डॉल्फिनस की गिनती शुरू हो गई है पर्टिकुलरली दो लोकेशन पे भीतर कनिका नेशनल पार्क और गहेर माथा मरीन सैक्चुरी और यहाँ पे तीन दिन की एक्सरसाइज होती है एनुअल एक्सरसाइज है हर साल एक्सपर्ट्स आते हैं और डॉल्फिन की काउंटिंग की जाती है पिछले साल जो सेंसस हुआ था उसमें सेवन ट्वेंटी देखी गई थी एंड ओवर द ईयर्स डॉल्फिन की गिनती में इजाफा हो रहा है ओडिशा कोस्ट पर थर्टी परसेंट तक डॉल्फिन पॉपुलेशन यहाँ बढ़ी हुई पाई गई है नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन विल इनग्रेट अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम एट या इन तिरुवनंतपुरम सो केरला के तिरुव तिरुवनंतपुरम में एक पाम लीफ का जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है यानी जो पत्तों के ऊपर लिखाई होती है ताड़ के पत्तों के ऊपर उनसे फिर मैन्यूस्क्रिप्ट बनती है और उनका म्यूजियम उनका संग्रहालय है जिसका उद्घाटन बहुत जल्दी पिनराई विजयन करेंगे वहाँ के सी करेंगे इस म्यूजियम की खास बात यह है कि बहुत सदियों पुराने आ, जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं उनको यहाँ पर संजोया गया है और अलग अलग एट थीम बेस्ड गैलरीज यहाँ पर बनाई गई हैं बट दे आर दे आर इक्विप विथ मॉडर्न ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजीज और ताकि यूथ जो है वो पुराने जमाने में केरला में क्या क्या हुआ करता था सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसे थे वो सारी चीज़ें जान सके इस आ, इस म्यूज़ियम के थ्रू और इसमें थ्री करोड़ की लागत से इस म्यूजियम को डेवलप किया है आर्काइव्स डिपार्टमेंट ने और इसमें वन एट्टी सेवन ओल्ड एंड रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट का, का कलेक्शन रखा गया है पीएम मोदी टू इनाग्रेट नेशनल यूथ फेस्टिवल इन हुबली धारवाड़ जनवरी ट्वेल्व जनवरी ट्वेल्व यानी कि जो आ, युवा दिवस होता है यूथ डे जो होता है एंड इट इज ऑल्सो दर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद मोदी इनाग्रेट करेंगे नेशनल यूथ फेस्टिवल कहा ट्विन सिटी ऑफ हुबली एंड धारवाड़ जो कि कर्नाटका के अंदर है नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्ता वॉज लॉन्च इंडिया की पहली ग्रीन स्टील ब्रांड ग्रीन स्टील ब्रांड यानी ये जब स्टील बनाई जा रही थी तो कार्बन फुटप्रिंट्स कुछ नहीं हो रहे थे ठीक है तो उसी को जिससे भी एनवायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच जिसमें झलकती है उसको ग्रीन टर्म दे दिया जाता है सो so, इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कलने आली लॉन्च किया किसने किया हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया और ये जो कल्याणी फिरिस्ता है कल्याणी ग्रुप का ही एक विंग है और जो कि पुणे बीस बेस्ड स्टील कंपनी है और इस स्टील स्टील को बनाने में कोई भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया गया जीरो कार्बन फुटप्रिंट छोड़े गए एन्वायरमेंट की तरफ लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल किया गया जैसे कि हाइड्रोजन कोल का गैसिफिकेशन कर दिया गया जिससे कार्बन फुटप्रिंट नहीं हो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया गया सो so, कल्याणी फेरेस्ता और अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो स्वीडन इज दी फर्स्ट कंट्री जिसने स्टील ग्रीन स्टील का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया था ठीक है नेक्स्ट मेरी एंटी पायरेसी बिल 2019 थाउजेंड पास इन राज्यसभा सो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है मेरी एंटी पायरेसी बिल यानी कि समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2019 अब इससे हमारे पास एक इफेक्टिव लीगल इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा जिससे कि हम मेरी पायरेसी को कॉम्बैट कर सकते हैं ना सिर्फ टेरिटोरियल सीज में यानी कि जो हमारी तट होता है उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस होता है उसको टेरिटोरियल सी बोलते हैं ना सिर्फ हम टेरिटोरियल सी में इस चीज़ को कम्बैक्ट कर पाएंगे बल्कि हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी यानी 200 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी होती है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं फिशिंग आप कर सकते हो आप ऑयल ड्रिल कर सकते हो आप विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो एक्सेट्रा सो so, इस ई में भी हम आ, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर पाएंगे और उसके अलावा इस ई से आगे के जो पानी होते हैं उनको हाई सी कहा जाता है तो काफ़ी दूरी तक हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मैरिटाइम पायरेसी को कंबैक कर सकते हैं राइट और इंडिया के पास एक ग्रेटर बेनिफिट है बिकॉज जो हमारी कोस्ट लाइन है वो काफी बड़ी है 7500 किलोमीटर किलोमीटर्स की है और इससे हमारा जो ई हो जाता है वो करीब 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का हो जाता है नेक्स्ट यू एन एस सी फर्स्ट एवर रेजोल्यूशन ऑन म्यांमार इन 74 फोर ईयर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सेवेंटी फोर ईयर्स में पहली बार म्यांमार से रिलेटेड एक पहला रेजोल्यूशन uh, पास किया है और उस रेजोल्यूशन को के हिसाब से इमीजिएटली जो वहाँ की मिलिट्री जनता है मिलिट्री जनता यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जिसमें मिलिट्री ऑफिशियल्स रूल कर रहे हों सो मिलिट्री जनता को कहा है कि इमिजिएटली आप सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कीजिए इंक्लूडिंग ऑंग सानसू की जो उनकी पॉलिटिकल लीडर हैं जिनको आपने दो हज़ार इक्कीस से बंदी बना करके रख रखा है और साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल फ्रीडम्स और रूल ऑफ लॉ को वापस से कायम कीजिए तो दो हजार इक्कीस के अंदर फर्स्ट फरवरी 2021 में मिलिट्री कु किया था म्यन्मार के अंदर आ, मिलिट्री ने और वहाँ की जो सरकार थी उनके सभी मेजर लोगों को प्रेजेंट में डाल दिया था और ख़ुद लीड करने लग गए थे और तब से वहाँ पे ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ ये सब की धज्जियाँ उड़ रखी हैं सो so, बहुत समय से यू चाह रहा था रेजोल्यूशन लेकर के आना लेकिन चाइना और रशिया स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में आ, नहीं आना चाह रहे थे म्यांमार के और इस वजह से ये जो रेजोल्यूशन है पास नहीं हो पा रहा था बिकॉज अगर आपको पता हो तो यू में टोटल होते हैं फिफ्टीन में फाइव हैं परमानेंट और उनके पास होती है वीटो वीटो पावर पावर यानी कि अगर वो चाहें तो जो भी रेजोल्यूशन पास हो रहा है अगर वो अग्री नहीं करते तो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा तो ये एक अनडेमोक्रेटिक सा कैरेक्टर है यूएनएससी का पर ये है और इन फाइव परमानेंट मेंबर्स के नाम आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे दो के तो आपको समझ में आ गए चाइना और रशिया बाकी के तीन परम मेंबर्स कौन है यू एन एस सी के राइट डाउन हम नॉन परमेंट मेंबर हैं ठीक है इंडिया चलिए सो दिस इज द होल सिनेरियो और ये रेजोल्यूशन फर्स्ट एवर रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है यू एन एस सी ने इस बार कैसे हो पाया क्या रशिया और चाइना अगेंस्ट में नहीं खड़े हुए इस बार रशिया और चाइना ने एब्सटेन किया वोट करने से यानी वोट नहीं दिया उन्होंने ठीक है एंड सिमिलरली इंडिया का क्या स्टैंड रहा इस पर सो so, इंडिया ने भी एप्सटेन किया तो पंद्रह मेंबर्स में से तीन मेंबर्स ने एप्सटेन कर लिया बारह मेंबर्स ने इसके फेवर में वोट किया कि हाँ जी रेजोल्यूशन आना चाहिए और ये रेजोल्यूशन आ गया सो चाइना एंड रशिया आर्ग्यूइंग इतने टाइम से अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकिन इस बार उन्होंने एब्सटेन किया है अलॉन्ग विथ इंडिया बारह मेंबर्स ने फेवर में वोट किया और इंडिया की तरफ से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में वो हैं रुचिरा कम्बोच चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं नीरज चोपड़ा बिकम्स द मोस्ट रिटन अबाउट एथलीट इन 2022 2022 में जिस एथलीट के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है आर्टिकल्स या प्रिंट्स में या मीडिया में कहीं भी तो वो बन जाते हैं नीरज चोपड़ा और इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया है जमाइकन लेजेंड उसेन बोल्ट को जो कि धावक है यानी रनर है और अकॉर्डिंग टू तो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा हैं वो सबसे हाईली रिटन अबाउट एथलीट बन जाते हैं 2022 के देन इनका जो 2022 का जर्नी था वो काफ़ी सक्सेसफुल एंड हाइज से भरा हुआ था और इसीलिए इनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई जैसे कि दो इंपॉर्टेंट इवेंट देख लेते हैं इन्होंने सिल्वर मेडल जीता वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 में जो कि यूजीन औरगॉँव में हुई और ये इंडिया से सेकेंड पर्सन बन जाते हैं जिन्होंने एक मेडल लिया सबसे पहला मेडल अंजू बॉबी जॉर्ज ने लिया था एंड दैट वॉज अ ब्रॉन्स उन्होंने लॉन्ग uh, जंप के अंदर विमेन कैटेगरी में लिया था उसके बाद नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में कोई मेडल लिया वन सिल्वर मेडल। अपार्ट फ्रॉम इंडिया टू विन डायमंड लीग फाइनल सो डायमंड लीग का फिनाले भी इन्होंने जीता और अकेले भारतीय बन जाते हैं ये करने वाले नेक्स्ट अर्जेंटीना बीट फ्रांस फोर टू ऑन पेनाल्टीज टू विन थर्ड फीफा वर्ल्ड कप टाइटल इन 2022 ट्वेंटी टू सो थर्टी सिक्स ईयर्स के बाद ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए जीत बहुत बड़ी दर्ज की जा रही है कि 36 सिक्स ईयर्स के बाद अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है और इस बार इन्होंने हराया फ्रांस को फोर टू से हराया है पेनाल्टीज uh, शूटआउट के अंदर और ये जो फाइनल मैच है लुसेल स्टेडियम कतर के अंदर खेला गया और इससे पहले दो बार जब अर्जेंटीना जीता है एक बार 1978 में एक बार 1986 में और उसके बाद 36 सिक्स ईयर्स के बाद अब 2022 के अंदर जीते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के सबसे पहला आता है गोल्डन बूट अवार्ड गोल्डन बूट अवार्ड बूट बूट से क्या करेंगे आप गोल करेंगे सो so, जिसने टॉप गोल स्कोर किया है फीफा के अंदर उनको मिलता है गोल्डन बूट अवार्ड और वो मिला कायलियन मबापे को कायलियन मबापे ही इज फ्रॉम फ्रांस ही वॉज रिप्रेजेंटिंग फ्रांस सो मैक्सिमम गोल्स काइलियन मबापे ठीक है और इसलिए गोल्डन बूट बूट का कनेक्शन टॉप स्कोर से ध्यान रखिएगा फिर आता है गोल्डन बॉल अवार्ड गोल्डन बॉल अवार्ड दिस इज फॉर बेस्ट प्लेयर इन फीफा वर्ल्ड कप 2022 ट्वेंटी टू को जाता है जो कि अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट करते हैं देन गोल्डन ग्लव अवार्ड ग्लव का किसके uh, किसकी यूटिलिटी रहेगी जो जो गोलकीपर होगा जो गोल बचा रहा होगा सो दिस इज फॉर बेस्ट गोलकीपर गोल्डन ग्लव अवार्ड जाता है एमिलियानो मार्टिनेस को ये भी अर्जेंटीना के हैं ठीक है चलिए मोराको टू होस्ट नेक्स्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर एज पर फीफा अब ये समझिएगा ये फीफा वर्ल्ड कप नहीं है ये फीफा में फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप है फुटबॉल के जो क्लब्स होते हैं उनका आपस में वर्ल्ड कप होता है ठीक है तो ये मोराको के अंदर होस्ट होने वाला है और ये होगा फर्स्ट से इलेवेंथ फेबर 2023 में ये हर साल होता है पिछले साल फेबर ट्वेंटी में ये यू के अंदर हुआ था जिसमें चेल्जी चेल्जी जो कि इंग्लिश फुटबॉल क्लब है वो विनर रहा था और ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव से इसमें थर्टी टू टीम्स फीचर करने वाली हैं यह अनाउंसमेंट भी हो चुका है मोरक्को इज एन अफ्रीकन कंट्री जहां पर यह होस्ट होगा नेक्स्ट इंडिया बीट बांग्लादेश टू विन दर्ड टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ब्लाइंड के लिए हो रहा था बैंगलोर के अंदर एम चन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर फिनाले खेला गया जिसने इन, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को हरा करके जीत दर्ज की है ये इंडिया की थर्ड विन है आफ्टर ट्वेंटी ट्वेल्व एंड ट्वेंटी सेवनटीन इंडियन विमेन्स हॉकी टीम बीट स्पेन टू विन ट्वेंटी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नेशन कप को इंडिया ने जीता है और स्पेन को हराया है इंडिया ने और एफ आई एच नेशन कप जीता है इलेवन टू सेवनटीन दिसंबर ये खेला गया था नेक्स्ट न्यू डेली टू होस्ट थर्टी सिक्स एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फ्रॉम 28 मार्च टू 2 अप्रैल। सो कौन होस्ट करेगा थर्टी सिक्स एशियन रेस्लिंग चैंपियनशिप न्यू डेली होस्ट करने वाला है और ये सेवेंथ टाइम होगा कि हम एशियन रेस्लिंग चैंपियनशिप होस्ट कर रहे हैं और आ, आ, पिछले साल जो एशियन चैम्पियनशिप हुई थी उसके अंदर हम 17 मेडल लेकर के आए थे जिसमें वन गोल्ड फाइव सिल्वर और इलेवन ब्रॉन्स थे गोल्ड रवि कुमार दाहिया ने जीता था और ये कहाँ हुई थी ये मंगोलिया के अंदर हुई थी और अगली इस बार जो होनी है ट्वेंटी थ्री के अंदर वो होगी न्यू दिल्ली के अंदर रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो बेलग्रेड सर्बिया के अंदर खेली जाएगी सेप्टेम्बर महीने के अंदर सो so अभी ये एशियन रेसलिंग है ये वर्ल्ड रेसलिंग होगी एशियन रेसलिंग इस बार न्यू दिल्ली में होगी और वर्ल्ड रेसलिंग सर्बिया के अंदर होगी जब हम बात कर रहे हैं लास्ट ईयर की एशियन चैंपियनशिप की जिसमें इंडिया ने 17 मेडल जीते थे उसमें टॉप किया था मेडल टैली के अंदर जापान ने विथ 21 वन मेडल्स नेक्स्ट गोवा टू होस्ट फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट इन इंडिया तो गोवा पहली बार होस्ट करेगा वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट इंडिया के अंदर फेब्री 27 से मार्च 5 के बीच में गोवा यूनिवर्सिटी कैंपस के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम के अंदर ये खेला जाना है ऑल राइट सो ये हो गए हमारी जितने भी क्रक्स थे इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज पूरे हफ्ते में रही थी उन सब का हमने एक स्नैपशॉट वापस से ले लिया रियली really होप सारी न्यूज आपको समझ में आ गई होगी अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ ठीक है सो ट्राई एंड जज मैं दस क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ अगर आप चाहें तो अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएगा इट विल बी हैप्पी वी विल बी हैप्पी टू नो कि आप कैसा स्कोर कर रहे हो आप खुद भी अपनी परफॉर्मेंस जज कर सकते हो अगर आप फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ तो आपका स्कोर अच्छा आना ही होगा आ, मुझे लगता है और अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो देन दैट इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इसमें मैंने हिंदी नहीं डाली एम सो सॉरी पर हाँ मैं ये बता दूँ कि जो मंथली सी ली जाती है मंथली सी ए के अंदर अभी तक सिर्फ हिंदी के अंदर पी डी एफ आता था लेकिन अब हिंदी और इंग्लिश दोनों पी डी एफ अवेलेबल करवाए जाते हैं परचम क्लासेज डॉट इन वेबसाइट के ऊपर और मैं ये भी बता दूँ कि ये जो वीकली सेशन है ये मेरा डेली वीकली सेशन का अभी के लिए लास्ट क्लास है कल से पूजा मैम रिज्यूम कर लेंगे आपके क्लासेस तो डेली सी ए सेवन ओ इन द मॉर्निंग आप पूजा मैम के साथ डील करोगे वीकली सी भी उनके साथ डील करोगे एंड मंथली सी ए, जैसे हम पढ़ते थे आप मेरे साथ पढ़ोगे सिक्स मंथली सीए आप मेरे साथ पढ़ोगे ठीक है चलिए पहले क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं which player won golden boot award in fifa world cup 2022 अभी हमने देखा था देखिए गोल्डन बूट अवार्ड बूट यानी सबसे ज्यादा स्कोर किसने किया है यानी गोल कितने की कि, किसने किया है नेमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो लियोनेल मेसी या फिर किलियन मबापे आंसर इज किलियन मबापे which country was the host of un biodiversity conference cop 15 cop 15 होस्ट किसने किया था The answer is कैनेडा ने होस्ट किया था चाइना ने चेयर किया था ठीक है नेक्स्ट विच कंट्री हैज लॉन्च ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर्स सो कौन सी कंट्री है जिसने ग्रुप ऑफ फ्रेंड लॉन्च किया uh, जो पीस कीपर्स के अगेंस्ट क्राइम होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए चाइना यूएसए फ्रांस या इंडिया आंसर इज इंडिया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वैसे भी हम बोलते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम सब हमारे घर परिवार जैसे मित्र जैसे हैं तो ग्रुप ऑफ़ फ्रेंड्स इंडिया आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जी एफ एस आई ट्वेंटी ट्वेंटी टू इंडिया इज रैंक सिक्सटी एट अलोंग विथ विच कंट्री आप देखिए सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है हमने जब आ, जी एफ एस आई देखा तो हमने देखा कि इंडिया का रैंक सिक्सटी एट है लेकिन इंडिया के साथ एक और कंट्री है जिसने ये रैंक शेयर किया है आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सी कंट्री है मंगोलिया घाना सुडानिया अल्जीरिया अल्जीरिया द आंसर इज अल्जीरिया अल्जीरिया ने जी एफ एस आई ट्वेंटी ट्वेंटी टू के अंदर सिक्सटी एथ रैंक शेयर किया है विद इंडिया सुहेल एजाज खान हैज बीन अपॉइंटेड इंडिया न्यू एम्बेसडर टू विच कंट्री सुहेल एजाज खान इंडिया के कौन सी कंट्री के लिए नए एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं आंसर इज सऊदी अरेबिया मैक्सिमम आंसर डी आ रहे हैं आज है ना विच कंट्री हैज लॉन्च सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी दैट इज स्वॉट स्पेस क्राफ्ट आज ही हमने डिस्कस किया है स्वॉट स्पेस क्राफ्ट कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है यूएसए ने नासा ने लॉन्च किया है सो आंसर विल बी ए नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन वेन इज द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है दिसंबर 15, 18, 21 वन या ट्वेंटी थ्री आंसर इज डिसंबर 18. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट इज विच इंडियन इनिशिएटिव हैज बीन रिकग्नाइज बाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 दैट इज कॉप 15 टू द कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी सो विच इंडियन इनिशियेटिव इंडिया का एक इनिशियटिव है जिसको रिक्नाइज किया गया COP Convention of biodiversity में, वो कौन सा इनिशियटिव है स्वच्छ भारत मिशन नमामि गंगे नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया या ग्लोबल वाटर प्रोजेक्ट द आंसर इज नमामिंगे क्वेश्चन नंबर नाइन विच कंपनी बिकेम दफिशियल पार्टनर ऑफ एफ आई एच ओडिशा हॉकी मेन्स वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कौन सी कंपनी है जो की ऑफिशियल पार्टनर बनी है

बहुत पहले मैंने याद करवाए थे जब हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते थे सो so, चलिए ये हो गए आपके टेन प्रैक्टिस क्वेश्चन टेन में से कितना स्कोर किया है डू लेट मी नो इन दॉमेंट सेक्शन सो दैट यू कैन चेक योर परफॉर्मेंस एंड सो कैन बी लास्टली हम आते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे पे पहला क्वेश्चन है आपके लिए हु हैज बीन अपॉइंटेड सीईओ ऑफ ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स इन डिसंबर 2022 ट्वेंटी 2022 के अंदर किसी को अपॉइंट किया गया है एज द सीईओ ऑफ ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स किसको बनाया गया है सीईओ इन गेम्स के लिए आप आंसर करके ट्राई कीजिए बताने का दूसरा क्वेश्चन है विद स्टेट गवर्नमेंट विल होस्ट बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल फ्रॉम 24 दिसंबर 24 दिसंबर से कौन सी राज्य सरकार है जो कि बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल होस्ट करेगी तो ये दो सवाल आपके लिए हैं ट्राई एंड आंसर देम इन दिन दमेंट सेक्शन तो ये था आज का पूरा वीकली सी आई रेली होप्स जो भी कुछ पढ़ाया गया है समझ में आ गया होगा इससे पहले कुछ दिन जो भी डेली सी पढ़ाया गया वो समझ में आ गया होगा कल से पूजा मैम विल बी टेकिंग ओवर द सेशन एंड हम मिलेंगे मंथली करंट अफेयर्स में और बाकी जो सेशंस मैं लेकर के आती हूँ वो बिकॉज ऑफ ऑल दीज सेशंस वो रुक गए थे तो अब वहाँ से वापस रिज्यूम करेंगे टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर पढ़ते रहिए इंजॉय करते रहिए एंड अगेन वेरी मेरी क्रिसमस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू बाय